कोचट्टा में सरसों के पीले पीले फूल और लहलहाती फसल आंखों को खीरा करने लगी। पीले फूल, धीमी धीमी खुशबू, सरसों का साग, तेल और खल, ये सब इसी फसल से ली जाती है। बसे जानते हैं नुमांदा 7 न्यूज़ शाहिद खान से। जी शाहिद, सरसों के हवाले से बात की जाए तो जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा सरसों की काश्त डेरा गाजी खान, राजनपुर और कोटचुट्टा में की जाती है। इसी सरसों से जानूनों के लिए जो है खल भी इस्तेमाल की जाती है और इसके साथ साथ तेल भी बनाया जाता है। जो तो मौसम बहार की आमद के साथ साथ जहाँ पर दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं तो वहाँ पर देहाती इलाकों में अब भी सरसों के पीले फूल खिले हुए दिखाई देते। आप मेरे अकम में देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर काश्त सरसों काश्त की गई है। जो जहाँ पर शहरों में इस तरह के मनाज़र दिखाई नहीं देते तो देहातों में इस तरह के मनाज़र दिखाई देखने को मिलते हैं। एक खुशगवार फ़जा भी कायम है और इस सरसों से एक जो खुशबू निकलती है वो दिल मोह लेने। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।